यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी लगातार वीक होते होते आज 80 रुपए के बराबर पहुंच गया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इंडियन रुपी और कितना ज्यादा वीक होगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले एक महीने में एक डॉलर की वैल्यू 82 रुपए के बराबर पहुंच जाएगी। अब इसका मेन रीजन है यूएसए में बढ़ती महंगाई। पहले यूएसए में लोन्स बहुत सस्ते मिलते थे और इंडिया में बहुत महंगे। ऐसे में इन्वेस्टर्स यूएसए के बैंक से लोन लेके इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। फिर यूएसए में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएसए के सेंट्रल बैंक ने लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए। इस वजह से हर रोज कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है और फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार कम होते जा रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से इंडियन रुपी कब तक स्टेबल होगा।